यूं तो गांव गांव देवी के मंदिर हैं, पुराणों के हिसाब से भारत में 51 शक्तिपीठ है जहां देवी के अलग अलग रूप हैं। शास्त्रों के अनुसार मां भगवती को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के निवेदन से दुष्टों और राक्षसों के अंत करने के लिए विकराल रूप धारण करने का निवेदन किया गया। तब मां अंबे ने मां काली का रूप धारण किया। मां काली का ध्यान करने से भक्तों के समस्त भय दूर हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देवी का शांत और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मां स्वरूपी अंबे और ब्रह्माणी के रूप में जाना जाता है। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाना चाहता हूं जहां देवी के दोनों रूपों का यानी रुद्राणी और ब्रह्माणी के एक साथ दर्शन होंगे। शक्ति के इन दोनों रूपों का एक साथ दर्शन कर मन में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा है, जहां एक और मां रुद्राणी मां काली भक्तों के द्वारा प्रसाद के रूप में मदिरा का पान करती है और वहीं ब्रह्माणी मां अंबे को श्रीफल और मिठाई का भोग लगाया जाता है। और ये मंदिर है भवाल माता का मंदिर, जहां देवी साक्षात मदिरा का पान करती है। भक्त मनोकामना पूर्ण होने पर भवाल माता को शराब अर्पित करते हैं और देवी अपने प्रत्येक सच्चे भक्त से ढाई प्याला मदिरा पान करती है। सन 1119 में डाकुओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामावत। मंदिर दर्शन की इस कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं नागौर जिले के भुवान माता के मंदिर। ये मंदिर मेड़ता से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। मित्रों, एक दंत कथा यहाँ पर यह भी कही जाती है कि एक डाकुओं का दल राजा की सेना के द्वारा घेर दिया गया और उनकी मृत्यु नज़दीक थी। तब उन्होंने इस देवी को याद किया, भुवाल माता को याद किया। भवाल माता के प्रभाव से सारे डाकू भेड़ बकरी में तब्दील हो गए। जब सेना वहां पहुंची तो उन्हें एक भी डाकू नजर नहीं आया। हार मान के सेना वहां से निकल गई। उसके बाद सारे डाकू वापस अपने मूल स्वरूप में आ गए। सारे डाकू बहुत प्रसन्न हुए। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि हमें माँ को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, आज माँ की कृपा से हमारी जान बच गई है। काफी कुछ खंगालने के बाद डाकू के पास कुछ भी नहीं मिला। तो एक डाकू ने कहा कि अगर हम माँ को प्रेम से अगर कुछ भी अर्पित करेंगे तो माँ जरूर ग्रहण करती है। ढूंढने के बाद डाकुओं के दल में से एक मदिरा की बोतल मिली। डाकू के सरदार ने उस शराब की बोतल में से प्याले में शराब भरकर माँ को बड़े ही प्रेम पूर्वक शराब अर्पित की। देखते हैं कि वो शराब पूरी खत्म हो गई उसमें से। कौतूहलवश आश्चर्यवश एक प्याला और भरा गया। दूसरा प्याला भी जब माँ के समक्ष रखा गया उसमें से भी शराब खत्म हो गई। वापस उन्होंने तीसरा प्याला भरा, वो जब माँ के समक्ष रखा तो उसमें से सिर्फ आधा प्याला ही माँ ने लिया, मतलब ढाई प्याला माँ ने डाकुओं द्वारा शराब ग्रहण किया। डाकुओं ने उस दिन से डकैती चोरी छोड़ दी और इस मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यह परंपरा है कि इस मंदिर के अंदर कोई भी भक्त यदि सच्चे मन से आता है तो हर भक्त से माँ उसकी शराब की बोतल से, मदिरा की बोतल से ढाई प्याला शराब का प्रसाद ग्रहण करती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद देवी को मदिरा का प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। जब सोमरस की बोतल पुजारी के हाथ में दी जाती है तो पुजारी उस बोतल में से एक चांदी के प्याले में वो शराब भरकर माँ के समक्ष, माँ के मुंह के समक्ष वो प्याला रखता है। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। मूर्ति को टच नहीं होता वो प्याला, बस मुंह के समक्ष रखा जाता है और पुजारी अपनी आंखों को नीचे करता है, नज़रों को झुका लेता है
और देखता है कि प्याला खाली हो जाता है। प्याले में से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरते। वापस दूसरा प्याला उभर के यूं ही माँ के समक्ष रखता है, दूसरा प्याला भी खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है। जब तीसरा प्याला वो रखता है तो उसमें से मात्र आधा प्याला ही खाली होता है, और आधा प्याला पुजारी पुनः उस शराब की बोतल में डाल उस भक्त को लौटा देता है। ये वाक्या, ये पूरी घटना, हो सकता है कि आप उस पर विश्वास ना करें, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप देवी के भक्त हैं, देवी के उपासक हैं, तो एक बार यहां दर्शन करने जरूर पधारें। ये साक्षात रुद्राणी और ब्रह्माणी का स्थान है, हर भक्त की मनोकामना यहां पर पूरी होती है। दोस्तों, ये स्थान बहुत वाइब्रेशन वाला है। यहां पर आकर सच कहूं तो पूरे बॉडी के अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होता है। यहां के लगता है कि कुछ तो है जो हमें मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है।